इसी पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी मैं क्या बना सकती हूँ. वंस अपॉन अ टाइम अ फैमिली वेंट फॉर कैंपिंग इन द नियर बाय फॉरेस्ट. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फैमिली कैंपिंग के लिए करीब के जंगल में गई. दे रीच्ड देयर इन द आफ्टरनून सो दैट दे कुड विजिट दैट फॉरेस्ट टू. वो आफ्टरनून में ही वहाँ पहुँच गए ताकि वो जंगल का विजिट भी कर सकें. As it started to get darker, जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, they camped in the safe place and started to cook food on bonfire. उन्होंने अपने लिए एक सेफ जगह देखी और वहाँ पर कैंप लगा लिया और आग जलाकर खाने के लिए कुछ पकाना शुरू कर दिया. They were enjoying a lot. वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे. After all that, इन सब के बाद they got so tired, वो बहुत थक गए and went for sleeping. और सोने चले गए. अब देखें, इस पैराग्राफ में पहले तो मैंने सीन को इंक्लूड कर दिया है, जो सीन हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि वो कैंपिंग कर रहे थे, खाना बना रहे थे, फिर ये सारी चीज़ें मैंने इस सीन में इंक्लूड कर दी हैं. सो ये हमारे करेक्टर्स और सेटिंग हो गई हमारी स्टोरी की. अब हमने आना है उस चीज़ पर कि व्हाट वेंट रॉन्ग, या जो हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने कोई सस्पेंस या कोई ड्रामा कुछ क्रिएट करना है. सो आगे रीड करते हैं. द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह सवेरे, द चिल्ड्रन वॉक अप एंड वेंट टू डिस्कवर द फॉरेस्ट. बच्चे उठे और फॉरेस्ट को डिस्कवर करने या देखने के लिए निकल गए. दे सॉ मैनी स्मॉल एनिमल्स, उन्होंने बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी देखे. सडनली अ बिग एनिमल अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम, अचानक से एक बहुत बड़ा जानवर उनके सामने आ गया. दे वर सो टेरिफाइड एंड रेन फ्रॉम देयर एंड हिट इन थिक बुशेज, वो बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी से भाग कर घनी झाड़ियों में छुप गए. The girl became unconscious and the boy was also shivering due to fear. Girl बेहोश हो गई और जो लड़का था वो डर के मारे कांप रहा था. अब ये हमारी स्टोरी का वो पार्ट है जिसमें हमने कोई सस्पेंस ड्रामा या जो हमने पार्ट्स ऑफ स्टोरी में पढ़ा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये वो वाला पार्ट है हमारी स्टोरी का. नेक्स्ट, अब हमने इस स्टोरी की एंडिंग कैसे करनी है. On the other hand, दूसरी तरफ, their parents were also worried. उनके parents भी बहुत परेशान थे. They were searching their children here and there. वो अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढ रहे थे. And at last they found them. और आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों को तलाश कर लिया. They thanked to the God. उन्होंने खुदा का शुक्र किया. And picked them to the home. और बच्चों को घर ले गए. आफ्टर थ्री आवर्स, तीन घंटे बाद, द चिल्ड्रन वर फाइनली ऑल राइट, बच्चे ठीक थे. एंड दे प्रोमिस्ड देयर पेरेंट्स दैट दे वोंट गो एनीवेयर विदाउट देम, और उन्होंने अपने माँ बाप से वादा किया कि वो उनके बगैर कहीं नहीं जाएंगे. ओके, अब स्टोरी राइट करने के बाद हमने इसका टाइटल राइट करना है. मैंने जो टाइटल लिखा है वो अ नाइट इन द फॉरेस्ट. इसके अलावा भी इसके बहुत से टाइटल हो सकते हैं, जैसे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स, अ नाइट कैंपिंग इन द फॉरेस्ट एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, यू कैन सी मैंने स्टोरी राइट करते वक्त पास्ट टेंस यूज़ किया है. तो ये भी स्टोरी राइट करने का एक मेन पॉइंट होता है कि मोस्टली स्टोरीज हम पास्ट में राइट करते हैं, मीन्स पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर पर आपने खुद स्टोरी बनानी है. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने स्टोरी राइट करनी है. नोट डाउन योर होम टास्क. Make a story by looking at the given picture in the AR. Thank you and Allah Hafiz.